डायना कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मायाधारी की। मायाधारी का नाम सुनकर सब लोग खामोशी खड़े रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। डायना फिर एक लंबी आह भरती है और फिर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए बोल पड़ती है, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने उस मायाधारी को पहली बार देखा था। मुझे तो लगा था कि मेरा और उसका आमना सामना कभी होगा ही नहीं, पर कहते हैं ना, ये वो दुनिया है जहाँ पर आपकी मुलाकात कब किससे हो जाए आपको खुद नहीं पता। देविका को प्रेग्नेंट हुए अभी 3 महीने ही हुए थे कि उसके घर पर मायाधारी का आना हुआ। मायाधारी को कोई और नहीं बल्कि रविंद्र लेकर आया था। मायाधारी के हाथों पैरों की उंगलियां देखकर ही मैं समझ गई थी कि वो एक जादूगरनी है, वही जादूगरनी जिसका पूरे माया नगरी में खौफ था। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मायाधारी वहाँ पर क्यों आई थी। मैं इतना तो मायाधारी को देखकर ही समझ गई थी कि मायाधारी वहाँ पर जरूर किसी न किसी मकसद से आई थी, वरना वो मायाधारी जो हमेशा अपनी गुफा में रहा करती थी, वो सिर्फ देविका से मिलने के लिए अपनी गुफा छोड़कर कहीं नहीं आती। डायना अपने अतीत में की हुई गलतियों पर पछताते हुए कहती है, मायाधारी को वहाँ पर देखकर मेरा मन तो कर रहा था कि मैं उसी वक्त जाऊँ और देविका को बता दूँ कि मायाधारी एक जादूगरनी है, उससे वो दूर रहे। दूर क्या, कभी दोबारा अपने घर में कदम तक ना रखने दे। पर फिर मैंने सोचा कि अगर ये बात देविका को बता दी तो फिर वो ये भी जान जाएगी कि मैं एक डायन हूँ, और अगर उसे ये बात पता चली तो वो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लेगी। वो परिवार जो मुझे देविका के रूप में मिला है वो भी मुझसे छिन जाएगा, इसलिए मैंने उसे ये बात नहीं बताई। बस ये कहा कि वो मायाधारी से दूर रहे, मुझे वो औरत ठीक नहीं लगती है। काश उस दिन मैंने देविका को सब कुछ सच सच बता दिया होता तो शायद देविका और रविंद्र जिंदा होते। सब मेरी गलती है। इतना कहकर डायना रोने लग जाती है। अभिमन्यु उसी वक्त डायना के पास जाता है और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए हमदर्दी भरे लहजे में उससे कहता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है डायना, कभी कभी रिश्तों के टूटने के डर से सच छुपाना पड़ता है। पलक तुरंत बोल पड़ती है, पर अभी कभी कभी ना वही सच जहर बन जाता है, इसलिए सही वक्त पर सच बता देना चाहिए, वरना रिश्ते सिर्फ टूटते नहीं है बल्कि पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। अभिमन्यु खामोश हो जाता है, वो पलक की बात का पलट कर कुछ जवाब नहीं दे पाता है। डायना अपनी दास्तां आगे जारी रखते हुए फिर बोल पड़ती है, उस दिन जब मायाधारी देविका के घर में आई थी उस वक्त उसने देविका की कोख को छूकर कहा था कि उसका बच्चा 14 अगस्त को जन्म लेगा, वो भी 7वें महीने में ही। मैंने मायाधारी को टोका भी था कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर मायाधारी फुल कॉन्फिडेंट थी और फिर जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। तारा का उसी नक्षत्र में जन्म हुआ जो मायाधारी ने बताया था। जिस दिन तारा का जन्म हुआ उसी दिन मेरी मायाधारी से दूसरी बार मुलाकात हुई थी। उस दिन मायाधारी को देखकर मैं समझ गई थी कि वो क्यों अपनी गुफा से बाहर निकली थी, क्या था उसका मकसद। इतना कहकर डायना चुप हो जाती है। अभिमन्यु तुरंत डायना से पूछ पड़ता है, क्या था मायाधारी का मकसद डायना? डायना अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, तारा, अभी तारा थी मायाधारी का मकसद। वो वहां पर तारा के लिए आई थी। जब वो हॉस्पिटल में तारा से मिलने के लिए आई थी तो उसे अपनी गोद में पकड़कर कुछ कर रही थी, बार बार अपने हाथ उसकी आंखों पर फेर रही थी। मायाधारी के अंधे होने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे वो तारा को देख पा रही हो। मायाधारी तारा को कुछ करती उससे पहले ही वहाँ पर नर्स आ गई और उसने मायाधारी के हाथ से तारा को ले लिया, जिस कारण मायाधारी कुछ कर नहीं पाई और वो वहाँ से चली गई। मायाधारी की इस हरकत ने मुझे सचेत कर दिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं तारा को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आखिर देविका की खुशियाँ तो आरस ही तो थी, फिर मैं देविका को दुखी कैसे देख सकती थी। डायना एक लंबी आह भरकर फिर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त देविका के साथ रहने लग गई ताकि तारा के पास रह सकूं। मैं अपना पूरा दिन वहीं पर बिता दिया करती थी, देविका का हर काम कर दिया करती थी। देविका को भी इस चीज से कोई एतराज नहीं था, वो तो बल्कि खुश थी कि उसको कोई काम में हाथ बटाने वाला मिल गया जो उसकी और उसकी बेटी की देखरेख कर सकता था। सब ठीक चल रहा था, पर तारा के आने के बाद से ही देविका और रविंद्र के बीच झगड़े होने शुरू हो गए थे। रविंद्र दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था और उसे देखकर मैं इतना तो समझ गई थी कि रविंद्र पर जरूर किसी ने कुछ न कुछ किया है। रविंद्र की हरकतें बार बार उसे शक के घेरे में खड़ा कर रही थी, और फिर एक दिन मेरा शक बिल्कुल सही निकला, रविंद्र पर मायाधारी ने काला जादू किया था। पलक हैरानी के साथ डायना से कहती है, क्या कहा, काला जादू? डायना हामी भरते हुए कहती है, हाँ पलक, काला जादू, एक ऐसा काला जादू जिसका कोई तोड़ नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की थी रविंद्र के ऊपर से मायाधारी के उस काले जादू को तोड़ने की, पर मैं उस काले जादू को तोड़ ही नहीं पाई। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मायाधारी ने रविंद्र के ऊपर कौन सा काला जादू किया था उसे अपने वश में करने के लिए। मैं इस चीज़ का पता लगाने में लगी ही हुई थी कि तारा के नामकरण का वक्त आ गया, और वो रात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि उस रात सब कुछ खत्म हो गया था, कुछ नहीं बचा। कायर तुरंत डायना से पूछता है, क्या हुआ उस रात डायना? डायना सबको सब कुछ बताते हुए कहती है,
उस रात मुझे पूरा यकीन था कि मायाधारी वहां पर जरूर आएगी, क्योंकि जब वो तारा के जन्म के वक्त हॉस्पिटल तक आ सकती है तो फिर भला नामकरण वाले दिन क्यों नहीं आएगी। और मैंने सोच लिया था कि अगर उस रात मायाधारी वहां पर आई तो मैं उसकी सारी सच्चाई देविका और रविंद्र के सामने ला दूंगी, चाहे फिर उसके लिए मुझे अपने डायन के रूप में उनके सामने क्यों ना आना पड़े। मैं देविका के परिवार से दूर होने के लिए तैयार थी, पर उसके परिवार को टूटते हुए नहीं देख सकती थी, क्योंकि रविंद्र बहुत दूर जा चुका था देविका से, और उसे देखकर ऐसा लगने लग गया था कि उनका रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला था। अभिमन्यु डायना को बीच में टोकते हुए कहता है, तो फिर क्या हुआ डायना, क्या मायाधारी वहां पर आई? डायना अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं अभी मायाधारी तारा के नामकरण में नहीं आई, मैंने बहुत इंतजार किया था उसका पर वो नहीं आई। अभिमन्यु फिर डायना से पलट कर पूछता है, मायाधारी नहीं आई पर क्यों? डायना पलट कर जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि मायाधारी एक दूसरी साजिश रचने की तैयारी कर रही थी। अभिमन्यु फिर पूछता है, कैसी साजिश रचने वाली थी मायाधारी? डायना जवाब देती है, जिस रात तारा का नामकरण था उसी रात मुझे एक सभा में जाना था। डायना की बात कहते ही वर्चस्विनी को याद आता है कि जब डायना पहली बार पुलिस स्टेशन आई थी तो उसने यही बताया था कि जिस रात देविका और उसका परिवार गायब हुआ उस रात डायना शहर में नहीं थी, वो अपने निजी काम से बाहर गई थी। तब वर्चस्विनी ने डायना से पूछने की कोशिश भी की थी कि आखिर वो उस रात कहां पर गई थी, पर डायना ने कुछ नहीं बताया था, बात को टाल दिया था। डायना फिर कहती है, मैं सभा में जाना तो नहीं चाहती थी पर सभा में जाना बहुत जरूरी था, इसलिए रातों रात मुझे वहां पर जाने के लिए निकलना पड़ा। वर्चस्विनी उसी वक्त डायना को बीच में टोकते हुए उससे पूछ पड़ती है, सभा? कौन सी सभा डायना? डायना वर्चस्विनी की आंखों में देखते हुए उसके सवाल का जवाब देते हुए कहती है, डायनो की सभा। जैसे ही डायना ये बात बोलती है सभी लोग हैरानी के साथ उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। कछुआ हैरानी के साथ अपनी दोनों भवें ऊपर करते हुए कहता है, क्या कहा? डायनो की सभा? डायना हामी भरते हुए कहती है, हाँ कछुआ, डायनो की सभा। जिस तरह इंसानों की सभा होती है उसी तरह हम डायनो की सभा भी होती है, जो एक विशेष अवसर पर बुलाई जाती है, पर वो सभा एकदम से अचानक से रख दी गई थी, और बुलावे के साथ ये संदेश भेजा गया था कि उस सभा में सभी डायनों का आना अनिवार्य है, जो डायन उस सभा में नहीं आएगी उससे उसकी शक्तियां छीन ली जाएगी। भला कौन डायन ये चाहती कि उसकी शक्तियों का हनन हो, इसलिए मुझे भी वहां पर जाना पड़ा। वो सभा किसी और ने नहीं, महाडायन ने रख पाई थी, वो महाडायन जो उस वक्त नई नई महाडायन बनी थी। कहते हैं कि वो महाडायन में एक अलग ही शक्ति थी, हरा हीरा ना होने के बावजूद भी वो काफी शक्तिशाली थी। कहते हैं कि वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वो महाडायन थी जिसने कामेश्वरी यक्षिणी को अभिशाप दिया था, उस महाडायन के अंदर भी उन्हीं की तरह गुण थे। डायना आगे की बात जारी रखते हुए युग की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें पता है युग वो महाडायन कौन थी? युग खामोश खड़ा रहता है, एक टक नजर से चित्रा को देखते रहता है, उसकी बात का कुछ जवाब नहीं देता है। डायना अगले ही पल बोल पड़ती है, वो महाडायन कोई और नहीं बल्कि चित्रा आंटी थी, वहीं पर मैंने उन्हें पहली बार देखा था। युग नम लहजे के साथ बड़े प्यार से कहता है, मेरी माँ? डायना हामी भरते हुए कहती है, हाँ युग, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ, बाकियों के लिए उनकी चित्रा आंटी, और मेरे लिए मेरी महाडायन, मेरी महारानी। डायना फिर बोल पड़ती है, मुझे आज भी वो रात याद है जब मैंने पहली बार चित्रा आंटी को देखा था। उनके चेहरे में एक अलग ही नूर झलकता था, उन्हें देखने से ही समझ में आता था कि वो कितनी समझदार, ईमानदार और दयालु है। वो बाकी की डायनों से काफी अलग थी, होती भी कैसे ना, आखिर वो महाडायन जो थी। पर मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो महाडायन कैसे बन गई थी। युग डायना को बीच में टोकते हुए कहता है, महाडायन कैसे बन गई थी? मतलब डायना युग को अच्छे से समझाते हुए कहती है, मतलब ये युग की सदियों पहले महाडायन के चुनाव का जो तरीका था वो इस प्रकार था कि जो डायन सबसे ज्यादा शिकार करती थी वही महाडायन बनती थी, पर ऐसे में मानव जाति का अस्तित्व खतरे में आ गया था, इसलिए महाडायन ने इस नियम को बदल दिया था, और फिर नए नियम के अनुसार दिन निर्धारित किए गए थे कि पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी की रात ही डायने शिकार कर सकती हैं। अभिमन्यु डायना को बीच में टोकते हुए बोल पड़ता है, अगर डायने शिकार कम करेंगी तो उनकी शक्तियां भी कम होगी, फिर महाडायन का चुनाव कैसे होता था? डायना अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, महाडायन के चुनाव के लिए अलग अलग मापदंड बनाए गए थे, और जो डायन महाडायन बनने के काबिल होती थी, सारी चुनौतियों पर खरी उतरती थी, उसे ही महाडायन बनाया जाता था। हर हजार साल बाद महाडायन का चुनाव होता था, बस एक बार महाडायन का चुनाव जल्दी हो गया था। अभिमन्यु फिर डायना से पूछ पड़ता है, महाडायन का चुनाव जल्दी हो गया था पर कब? डायना जवाब देती है, जब कामेश्वरी यक्षिणी को अभिशाप मिला था तब। तुम सबको तो पता ही है कि कामेश्वरी यक्षिणी को अभिशाप देने के लिए महाडायन ने अपनी जान ले ली थी, इसी वजह से नई महाडायन बनाने के लिए चुनाव हजार साल होने से पहले कराने पड़े। उसी चुनाव के बाद से किसी को वो हरा हीरा नहीं मिला था, क्योंकि उस वक्त मरने से पहले महाडायन ने अपना हीरा भक्षानर को दे दिया था,
और उस भक्षानर ने उस हीरे को कहां पर छुपाया था किसी को नहीं पता था। हरा हीरा न होने की वजह से ही डायने कमजोर होने लग गई थी, पर डायनों को महाडायन बनाने की प्रथा चलती रही। डायना एक लंबी आह भरती है और फिर बोल पड़ती है, 1000 साल पूरे हो गए थे और इस बार भी एक नई महाडायन का चुनाव होना था। हमेशा होता यह था कि 10 डायनों का एक विशेष दल होता था और उस 10 डायनों के दल में उसे ही शामिल किया जाता था जो महाडायन बनने के काबिल होती थी। जब महाडायन का चुनाव हो रहा था उस वक्त मैं वहां पर गई थी, पर उन 10 डायनों में मुझे कहीं भी चित्रा आंटी नजर नहीं आई थी। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या? डायना हामी भरते हुए कहती है, हाँ युग, मैंने चित्रा आंटी को पहले कभी कहीं भी नहीं देखा था। यहाँ तक कि इससे पहले जब डायनों की और भी सभाएं होती थी उन सभा में भी मैंने चित्रा आंटी को नहीं देखा था। जब महाडायन के चुनाव के नतीजे आए तो मुझे खबर मिली कि उन 10 डायनों में से किसी को भी महाडायन नहीं बनाया गया है, बल्कि एक दूसरी डायन जिसे न कभी किसी ने देखा था न सुना था उसे महाडायन बना दिया गया था, और वो डायन कोई और नहीं बल्कि चित्रा आंटी थी। अभिमन्यु हैरानी के साथ डायना से पूछ पड़ता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? चित्रा आंटी को एकदम से महाडायन कैसे बनाया जा सकता है बिना किसी मापदंड के? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।